आरएमसी मैथ्स इम्पॉर्टेंट टिप्स। ओके, तो काफ़ी डिमांड बच्चों की आ रही थी कि सर आप मैथ्स में क्या टिप्स हो सकती हैं, क्या ट्रिक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम के दिन। तो आज इस पर हम लोग एक वीडियो ला रहे हैं और हमने एक पोल भी कंडक्ट करवाया था यूट्यूब में, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने यही डिमांड किया था कि सर आप टिप्स पर ज़रूर वीडियो बनाएं। ठीक है, तो मैथ्स पर क्या टिप्स होने वाली, क्योंकि मैथ्स का ही पेपर सबसे ज़्यादा डाइसी है। ओके, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। मेरा नाम है सूरज आर्या एंड आई एम द एकेडमिक हेड ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, टिप्स को जानने के लिए ना, अगर आपको टिप्स किसी भी पेपर के बारे में जानना है तो उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दो इंस्ट्रक्शंस दिखाऊंगा, ठीक है, आई विल शो यू। देखिए, मैथ्स का पेपर में थोड़ा सा वेरिएशन तो आया है, तो एक तो दिसंबर 2023 के इंस्ट्रक्शंस हम लोग देख लेंगे और एक उसके एक साल पहले के इंस्ट्रक्शंस देख लेंगे, ठीक है। और वहाँ ही से आइडिया हो जाएगा कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्जाम के लिए, क्या वो इंपॉर्टेंट टिप्स होंगे, अगर उनको आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं इंस्ट्रक्शंस की बात करूँ तो ये लेटेस्ट पेपर है दिसंबर 2023 का, ठीक है। और इस 2023 के पेपर में आपसे कहा गया था कि यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल 20 क्वेश्चंस। अब नई चीज़ क्या थी कि पहले 30 क्वेश्चंस आते थे, अब ये 20 क्वेश्चंस हो गया है। तो अगर 20 क्वेश्चंस आए तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, 30 क्वेश्चंस आए तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है ना, देखिए, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि पार्ट ए में 10 क्वेश्चंस और पार्ट बी में भी 10 क्वेश्चंस, ठीक है। तो दोनों में बराबर बराबर कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, पार्ट ए में भी 10 है, पार्ट बी में भी 10 है। लेकिन जो पार्ट ए है ना, उसका हर एक सवाल 8 नंबर का है और पार्ट बी का हर एक सवाल 12 नंबर का है। अब देखिए, ये जो 12 नंबर का क्वेश्चन है और ये जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, पिछले कई ट्रेंड से हमने ये देखा गया है कि जो 12 नंबर के सवाल है और 8 नंबर के सवाल है, दोनों का जो लेवल है आप कह सकते हो, या दोनों का जो टाइम है उसको सॉल्व करने का, वो कहीं ना कहीं सेम ही रहता है, ठीक है। ये जैसे 8 नंबर के सवाल हैं, उसी तरीके के सवाल 12 नंबर के भी आते हैं, बट ओनली द थिंग इज दैट कि पार्ट बी में यू कैन फेच मोर मार्क्स, ठीक है। जब टाइम एकदम इक्वल कंज्यूम हो रहा है पार्ट ए को करने में और पार्ट बी को करने में, तो क्यों ना हम पार्ट बी पहले करें, और पार्ट बी पहले करेंगे 10 क्वेश्चंस कर लिए तो विल गेट 120 मार्क्स। अगर हम पार्ट ए के 10 क्वेश्चंस करेंगे विल गेट ओनली गेट 80 मार्क्स। तो पार्ट बी और टाइम कंज्यूम भी बराबर हो रहा है, तो पार्ट बी को हम पहले करेंगे, ये हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। चाहे आपको पार्ट बी से कोई क्वेश्चंस आए या ना आए, या पार्ट ए से भी, देखिए पार्ट अगर क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आना ही है अगर, तो फिर तो वही सिचुएशन हो जाती है कि बच्चे को ना ही पार्ट ए आता है ना ही पार्ट बी, ठीक है। तो ऐसे केस में भी पार्ट बी को पहले अटेम्प्ट करें, ओके, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। क्योंकि पार्ट बी को अटेम्प्ट करोगे तो वहाँ पर ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस तब भी हैं जब आपको कुछ भी नहीं आता, ओके। और अगर आपको कुछ आता है, आपके आपकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ठीक है और कुछ ओलंपियाड की भी आपने प्रैक्टिस करी है, तो मैथ्स का पेपर निकालना आसान है, चाहे पूरा पेपर ओलंपियाड बेस्ड क्यों ना हो, उस पर भी मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है। तो अगर बाय द वे इस तरीके के अगर वेटेज रहा, पार्ट ए में भी 10 क्वेश्चंस, पार्ट बी में भी 10 क्वेश्चंस, तो हम पार्ट बी वाला पहला करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी के इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो सेम ही है, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर सकते, पाई की वैल्यू ये लेनी है, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन का यूज़ करना है, ये तो सारी चीज़ें हम हमें मालूम ही है। चलिए आते हैं हम लोग अब इससे पहले वाले पेपर के इंस्ट्रक्शन में, ये जून वाले पेपर के इंस्ट्रक्शंस हैं, ओके ओके, ये जून 2023 के इंस्ट्रक्शंस हैं। ये कैसे हुआ करते थे, देखिए टोटल 30 क्वेश्चंस आया करते थे, ठीक है, 30 क्वेश्चंस अभी भी कुछ भी हो सकता है इस बार के पेपर में, ठीक है, जून वाले के पेपर में, जून 2024 के पेपर में 30 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 20 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन अगर 30 क्वेश्चंस आएंगे या 20 क्वेश्चंस आएंगे तो क्या स्ट्रैटेजी होगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब अच्छा, इसमें क्या है, पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस हैं और हर एक सवाल 5 नंबर का, पार्ट बी में 10 क्वेश्चंस हैं और हर एक सवाल 10 नंबर का, पार्ट बी में क्वेश्चंस कम। फिर से मैं इस बात को बार बार दोहराता हूँ, ये आरएमसी को भी इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, पार्ट बी में जो क्वेश्चंस है ना उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो पार्ट ए के क्वेश्चंस जैसी ही होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पार्ट बी क्योंकि ज़्यादा नंबर दे रहा है तो वो बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे। हमारा जो एनालिसिस रहा है, मैं तो स्टूडेंट्स को भी देखता हूँ, पार्ट बी में कहीं ना कहीं बच्चे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, पार्ट ए में कभी कभी कुछ टेढ़े क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पर टाइम कंज्यूम बच्चों का ज़्यादा होता है। तो पार्ट बी में क्या है कि क्वेश्चंस भी कम हैं और आप नंबर्स भी ज़्यादा उसमें आप फेच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही स्ट्रैटेजी है कि हम पार्ट बी पहले करेंगे, सिर्फ 10 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस में से आपको 100 नंबर मिल सकते हैं, पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस करने में आपको 100 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी, क्योंकि देखिए टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, 1.5 घंटे का जो समय है
उस 1.5 घंटे के समय को आपको प्रॉपरली यूटिलाइज भी तो करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पार्ट बी पहले करेंगे। देखिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ इस एग्ज़ाम के लिए वो ये है कि हम सबसे पहले पार्ट बी करेंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन अवर एनालिसिस या बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस जो कि RMC के पेपर में आता है, उसके इंस्ट्रक्शन पर बेस्ड हमने क्या एनालाइज किया, हमने ये एनालाइज किया, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट हम लोग पार्ट बी पहले करेंगे, ठीक है। चाहे पेपर कैसा भी आ जाए, पार्ट बी को पहले प्रायोरिटी देंगे और फिर हम लोग आएंगे पार्ट ए में। अच्छा, अब ये बात भी आप अच्छे से जान लें कि पार्ट बी को पहले करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि पार्ट बी का अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं तब भी आप परफॉर्म कर रहे हो, और पार्ट ए में क्वेश्चंस आते हुए भी आप उन्हें नहीं कर रहे हो क्योंकि मैंने कहा है कि आप पार्ट बी करोगे, ऐसा भी नहीं है। देखिए, अगर आपको पार्ट बी के सपोज पैटर्न आया, सपोज 10 क्वेश्चंस पार्ट बी में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप उन 5 क्वेश्चंस को पहले करो जो आपको पार्ट बी में से आते हैं, ठीक है। और फिर आप पार्ट ए में आओ, सपोज आपको पार्ट ए में से भी 20 क्वेश्चंस में से सपोज 10 आते हैं, ठीक है, तो आप उन 10 क्वेश्चंस को पहले करो पार्ट ए के, और फिर दोबारा जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, जैसे 5 क्वेश्चंस आपके सपोज पार्ट बी में बच गए, तो पहले 5 क्वेश्चंस पार्ट बी के करो क्योंकि वहाँ पर मार्क्स ज़्यादा मिलने वाले हैं, और फिर पार्ट ए में आओ। ये अप्रोच होनी चाहिए। सपोज़ अगर मुझे, अच्छा अब एक चीज़ और है, सपोज़ अगर मुझे पार्ट बी का एक भी क्वेश्चन नहीं आता और पार्ट ए के मेजॉरिटी क्वेश्चन आते हैं, तो फिर ये स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी, फिर तो मैं पार्ट ए करूँगा क्योंकि वो कन्फर्म है ना, वो कन्फर्म है, उसके क्वेश्चन मुझे आते हैं, वहाँ पर मैं मार्क्स फेच तो कर ही सकता हूँ, प्योरिटी हो जाएगी ना क्योंकि मुझे क्वेश्चन आते हैं। तो उस केस में आप पार्ट ए पहले करेंगे, हाँ, लेकिन थोड़ा सा स्पीड का ध्यान रखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप पार्ट बी करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि पार्ट बी पहले करना है, पार्ट बी तो उस केस में करना है इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, आपको सारी चीज़ें आती हैं, ओलंपियाड पूछा गया आपसे तो आपको पता ही है कि पार्ट ए पार्ट बी में दोनों में ओलंपियाड है, तो कहीं ना कहीं आपको अप्रोच या अटेम्प्ट तो करना ही है, तो क्यों ना पहले पार्ट बी करें और फिर हम लोग पार्ट ए में आएँ, तो वो ज़्यादा सही अप्रोच रहती है, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपको अपने अकॉर्डिंगली कैसे सिस्टमेटिकली पार्ट ए या पार्ट बी पहले करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है ना, दूसरी चीज़ है, अभी ये जो ओलंपियाड बेस्ड पेपर आ रहा है, इस ओलंपियाड बेस्ड पेपर में थोड़ा सा बच्चों को ये ध्यान देना है कि इस बार के एनालिसिस पे, ठीक है, इस बार की जो मेरी एनालिसिस थी, 3 बच्चों के मैंने इंटरव्यूज़ लिए, ठीक है, और तीनों ही स्टूडेंट से जब मैंने पूछा कि आपने कैसे मैथ्स को क्वालिफाई किया, तो उन्होंने यही मेंशन किया कि सर एक तो हमने अटेम्प्ट, देखिए ये चीज़ भी इंस्ट्रक्शन से ही निकल के आता है, ये जो मैं आपको हिंट, ये जो टिप्स देने वाला हूँ ना, देखो क्या क्या लिखा गया है, अटेम्प्ट ऑल 20 क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन एनी केस यार, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अटेम्प्ट ऑल 30 क्वेश्चंस। तो यार पहली लाइन ही पढ़ लोगे ना तो आपको सारे टिप्स जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगी, मतलब आप अटेम्प्ट करो बस, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो मैंने बच्चों से जब पूछा कि आप लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा सर हमने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, मैंने कहा कैसे किए, सर थोड़ी सी अप्रोच लगाई क्वेश्चंस को पढ़कर, उनको क्वेश्चंस को अच्छे से इंटरप्रेट किया, और अप्रोच लगाने के बाद आंसर आया नहीं आया, साथ में हमने कुछ फॉर्मूलाज लिख दिए उससे रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को जैसे तैसे अटेम्प्ट किया, मुश्किल से एक दो क्वेश्चंस जो एकदम समझ में नहीं आ रहे थे वो छोड़ लिए, लेकिन बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन हमने एक अप्रोच लगाई, गिवन लिखा, ठीक है, अप्रोच लगाकर गिवन लिखा, और गिवन के बाद कुछ कैलकुलेशंस करी, और कुछ कैलकुलेशंस के बाद जब रिजल्ट नहीं आया तो कुछ फॉर्मूलाज हमने लिख दिए, रिलेवेंट फॉर्मूलाज, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, कुछ फॉर्मूलाज हमने लिख दिए उसी से रिलेटेड, और उस तरीके से कहीं ना कहीं हमें मार्क्स मिले और या उस तरीके से हम बच्चे पास हुए, ठीक है। अब 3 बच्चों के मैंने इंटरव्यू लिए और तीनों ही स्टूडेंट्स का कहना यही था, ठीक है, तीनों ही स्टूडेंट्स का कहना यही था, इसका मतलब इस बार के पेपर में, जो ये पेपर दिसंबर में हुआ, इस बार के पेपर में जो बच्चा मैथ्स के पेपर में, जो मतलब काबिल बच्चा था, जो इंग्लिश में और जीके में क्वालिफाइड है, जिस बच्चे ने मैथ्स के पेपर में जो बच्चा घबराया है उस दिन, वो क्वालिफाई नहीं हुआ है, और जिसने वो पॉजिटिव अप्रोच दिखाई है वो क्वालिफाइड है। तो यही टिप्स मैं आपको दूसरी देने वाला हूँ कि अगर इस बार भी अगर ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चंस आए तो एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। भाई माइंडसेट बना के जाओ ना कि मैं करूँगा, ठीक है, पंगा लो आप पूरा क्वेश्चन पेपर के साथ, क्वेश्चन पेपर हाथ में आता ना तो उससे बोलो अच्छा अभी बताता हूँ तुझे, ठीक है, अभी करूँगा सारे क्वेश्चन सॉल्व। तो एक ऐसे मेंटल अपना एक टेम्परमेंट बनाकर जाओ, मुझे लगता है कि आप कर लोगे, क्योंकि इतना तो आप लोगों ने पढ़ा ही है यार, पूरी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है, ओलंपियाड में भी मॉड्यूल्स में आप लोगों ने पढ़ा है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वो अप्रोच रहेगी ना तो आप कर लोगे सारे क्वेश्चंस इस तरीके से, ठीक है, ये वन लिखते हुए, भले आंसर्स ना भी आए कोई बात नहीं, लेकिन अप्रोच से आपने क्वेश्चन को इंटरप्रेट किया, गिवन लिखा, कुछ फॉर्मूलेस लिखे, कुछ कैलकुलेशंस करी, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मार्क्स मिलेंगे और कहीं ना कहीं आप ज़रूर मैथ्स के पेपर में क्वालिफाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ एडिशनली मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, कुछ और एडिशनल टिप्स हैं, ठीक है, कि पेन जो आपका मेन वेपन है, जो आपका मेन हथियार है, वो अभी से चुन लेना, ठीक है। जो भी पेन हो, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई महंगा पेन लें आप, बहुत कॉस्टली पेन लें, 5 रुपये का भी पेन हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसको अभी से यूज़ करें, अभी से जब मॉक पेपर देंगे तो उसी पेन से देना, ताकि आप यूज़ टू हो जाओ। ऐसा नहीं कि एग्जाम के दिन कुछ नया पेन ले जा रहे हो एंड यू आर नॉट कम्फर्टेबल विद द पेन, तो आपकी उसमें स्पीड या एफिशिएंसी हैम्पर हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्लस मैं आपसे ये भी कहूँगा कि कैलकुलेशंस के लिए आप अलग से एक कॉलम बना लीजिएगा ऐसे, और यहाँ पर आप कैलकुलेशंस कीजिएगा और एक एक लाइन छोड़िएगा हर एक कैलकुलेशन या हर एक स्टेप के बाद, प्लीज़ लीव अ लाइन, ठीक है, प्लीज़ लीव अ लाइन। और क्लैरिटी होनी चाहिए, साफ होना चाहिए, कोई क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो उसको उसको एक एक बार ऐसे काट दो इस तरीके से, ठीक है, ओके। जैसे आपने सपोज ऐसे 2x + 6 = 7, 2x = 1 की जगह आपने -1 कर दिया, x = -1/2, अगर आपको लगता है गलत है तो उसको ऐसे काटो बस, दैट्स इट। मतलब अगर आप अपने पेपर में क्लैरिटी रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे, तो उस वक्त भी चांसेस हैं कि आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि इंसान ही कॉपी चेक करता है, उसको सब साफ सुथरा दिखेगा तो टेंडेंसी है कि आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। हैंड राइटिंग अच्छी बनाइएगा, ठीक है, अच्छे से सारे नंबर्स लिखेगा, ऐसे नहीं कि 2 ऐसे लिख रखा समझ में नहीं आ रहा है 2 है 8 है, ठीक है। तो हैंड राइटिंग भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं टिप्स में ज़रूर कवर करूँगा आपकी हैंड राइटिंग, ठीक है। क्लैरिटी के लिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, यू हैव टू लीव अ लाइन, हर एक स्टेप के बाद आप एक लाइन छोड़ें। पेन का चयन अभी से कर लें, मतलब जो भी पेन आपको सेलेक्ट करना है वो अभी से कर लें, जो भी आपका फेवरेट पेन है उसी से सारे मॉक पेपर्स दें, और इंस्ट्रक्शंस पर बेस्ड, रिवर्स में मैं जा रहा हूँ, और इंस्ट्रक्शंस पर बेस्ड इस तरीके से आप पार्ट भी करेंगे, पार्टे करेंगे, और किस तरीके से ओलंपियाड का अगर पेपर आ गया कम्प्लीटली तो कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि आपको साफ साफ कहा गया है दैट यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, ओके। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ये अप्रोच लेकर अगर आप मैथ्स के पेपर में जाओगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप ज़रूर मैथ्स का पेपर क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आज आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।